हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। हमारे ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे NTUGC नेट पेपर 1 का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है, जिसके बारे में यहाँ बताने जा रही हूँ कि जो पेपर 1 का टेस्ट सीरीज है उसमें क्या कंटेंट है, कितने क्वेश्चन है, सारा कुछ डिटेल में बताऊंगी। और साथ में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पेपर 1 कितना बेनिफिशियल है, कितने मार्क्स आपको पेपर 1 में लाने चाहिए जिससे आपका ओवरऑल नेट एग्जाम ईजिली क्वालिफाई हो सकता है, और कैसे ज्यादा से ज्यादा आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से डायरेक्ट क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और वहां पे बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है, पेपर 2, पेपर कोड्स 55 एंड 17 के लिए, एंड पेपर 1 से रिलेटेड टेस्ट सीरीज। तो चलिए मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। सो फर्स्ट इज दिस टेस्ट सीरीज कंसिस्ट ऑफ 10 सेट फुल मॉक टेस्ट, 50 क्वेश्चन इन ईच सेट। तो 10 सेट है पूरा इसमें, और एक सेट में 50 क्वेश्चन है, जैसे कि नेट पेपर पैटर्न में होता है। ऑल क्वेश्चन एज पर NTUGC नेट पैटर्न, एक सेट में 50 क्वेश्चन है, बिल्कुल ही उसी पैटर्न में जैसे NTA कंडक्ट करता है नेट एग्जाम। और जो भी क्वेश्चन इसमें हमने लिए हैं वो सारा एज पर पेपर पैटर्न है, ठीक है। तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपको एग्जाम में जब आप फर्स्ट टाइम बैठते हैं तो कोई भी चीज नई नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि एक एग्जाम फियर भी होता है। तो पहले से अगर आप उसी पैटर्न में पेपर दे रहे होते हैं, पूरा टाइम बाउंड, 1 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, जो भी है, एक्चुअल में जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में अगर आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको जो फाइनल एग्जाम में आप बैठते हैं तो वो फियर नहीं रहेगा, ठीक है। तो सेम एग्जैक्ट उसी पैटर्न में आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे, और ऐसे तो ब्रेक नहीं होता है, 3 घंटे का पूरा पेपर होता है जिसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। लेकिन अगर ऑफलाइन जैसे होता था तो 1 घंटा दिया जाता था, तो मान के चलिए कि 50 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट्स, मतलब 1 आवर है आउट ऑफ 180 मिनट। तो आपको वो 1 घंटे में आपको कवर करना है पेपर 1, ठीक है। वैसे आप सेक्शन स्विच कर सकते हैं, ऐसे कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चंस कवरिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी टॉपिक। अब जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए, सारा पेपर 1 के जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, हायर क्वालिफिकेशन हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, तो इन सबसे क्वेश्चंस लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चंस विद डिटेल सॉल्यूशंस, और आपको हर एक क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी मिलेगा विद फुल्ली एक्सप्लेन, कैसे आंसर निकल के आया है, आंसर क्यों है, सारा कुछ सॉल्यूशन में दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है सॉल्यूशन के साथ। नेक्स्ट इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, री अटेम्प्ट अलाउड। अब देखिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज अगर आप लेते हैं ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे, तो यहाँ पे आपको दोबारा, एक बार आप टेस्ट देते हैं दोबारा उस टेस्ट को आप री अटेम्प्ट कर सकते हैं, और सॉल्यूशन तो आपको ऑल टाइम अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। टेस्ट देने के बाद भी आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, कभी भी रेफर कर सकते हैं। वही अगर आप दूसरी जगह कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो सिंपल 1 अटेम्प्ट दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है कि 1 अटेम्प्ट तो आपने दिया, उसके बाद आप एनालिसिस किए कि क्या आपके मार्क्स आए हैं, क्यों आए हैं, सॉल्यूशन देख के आप पता कर सकते हैं गलती कहाँ हुई है, एंड दोबारा सॉल्यूशन देख सकते हैं, प्लस री अटेम्प्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, इट इज अवेलेबल एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। तो ये बहुत ध्यान में रखते हुए प्राइस इसका फिक्स किया गया है कि सभी लोग अफोर्ड कर सके, तो बहुत नॉमिनल प्राइस रखा गया टेस्ट सीरीज का, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर कैंडिडेट्स लेके प्रैक्टिस करते हैं पेपर 1, तो उनका जो फाइनल एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और यहाँ पे एक ये भी फायदा है कि अगर आप ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो 45 मार्क्स आउट ऑफ 50, ठीक है, 45 एंड अबव मार्क्स अगर आपका आता है 50 में से, तो बहुत अच्छा, मतलब काउंटिंग में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा कहलाएगा, क्योंकि ये आपका 30% ओवरऑल कंस्टिट्यूट करता है नेट टोटल स्कोर में, क्योंकि 55% पे मान के चलिए कि कट ऑफ निकलता है अबव 55%, 55% पे भी क्वालिफाई हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो अगर 45 मार्क्स से ज्यादा अगर आप लेते हैं पेपर 1 में, तो वो 45 मार्क्स 30% कंट्रीब्यूट करता है 55% टोटल नेट स्कोर का, समझ में आ गया। तो इसी से सोचिए कि पेपर 1
कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें मार्क्स ज्यादा लाने, मतलब लाते हैं तो बहुत इजीली आप नेट स्कोर कर सकते हैं। पेपर टू में देखिए, पेपर टू का नॉलेज तो सभी को होता है क्योंकि वो आपके पीजी कोर्स का ही सब्जेक्ट होता है, तो उसे आप बार बार पढ़ते हैं, उसका नॉलेज आपको ज्यादा होता है। लेकिन पेपर वन से आप अपना नेट एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो बेनिफिट है वो विद वन ईयर वैलिडिटी, मीन्स ये जो टेस्ट सीरीज है ये आप एक साल की वैलिडिटी इसमें दी गई है, टिल वन ईयर आप इसको रेफर कर सकते हैं और अपियर हो सकते हैं टेस्ट में। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे जो अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए, और जो लोग डाउनलोड कर चुके हैं वो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको इम्पोर्टेंस तो बता ही दिया कि पेपर वन का कितना इम्पोर्टेंस है ओवरऑल नेट क्वालिफाई करने के लिए, और रिसेंटली अब तो एग्जाम की डेट भी हो सकता है अब अनाउंस हो जाए, तो आप जितना जल्दी प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।